आज हम कंपेयर करने वाले हुंडई वेन्यू एस वेरिएंट वर्सेस किया सोनेट एचटीके प्लस। एक ही प्राइसिंग है अप्रोक्सीमेटली 9.92 लाख ऑन रोड एंड इसकी प्राइस है अप्रोक्सीमेटली 9 लाख। हालांकि डायरेक्ट कंपैरिजन तो बनता नहीं है, लेकिन अगर इसकी बात करें जो हुंडई वेन्यू का एस प्लस वेरिएंट आता है उसके साथ में इसका डायरेक्ट कंपैरिजन होगा। लेकिन अभी फिलहाल हम आपका एस प्लस से देखते हैं कि कौन सी ज़्यादा सही रहेगी। बात करें लुक्स की तो लुक्स तो सब्जेक्टिव होता है, जैसे कि मैंने पहले कहा सबकी अपनी पर्सनल चॉइस होती है। तो हुंडई वेन्यू की बात करें तो इसकी जो हेडलाइट्स है वो स्प्लिट यूनिट में है, थोड़ा तो फ्यूचरिस्टिक लगता है। ऊपर की तरफ इंडिकेटर है, नीचे की अपने अपना हमारा मेन हेडलैम्प है। ग्रिल की बात करें तो इसमें थोड़ी सी हमें ग्लॉस ब्लैक की फ्रिज देखने को मिलेगी बीच में हुंडई का लोगो, एंड काफ़ी फ्यूचरिस्टिक डिज़ाइन लगता है हमारा हुंडई वेन्यू का। इसमें हमें प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेंगे। तो बात करें किया सोनेट की तो किया सोनेट में थोड़ा सा एग्रेसिव डिज़ाइन है, इसमें ग्लॉस ब्लैक फिनिश दी हुई है एंड जो हेडलाइट है वो भी पूरी एक ही सिंगल यूनिट है एंड लेकिन ये क्रोम फिनिश है। ये ओवरऑल मिला के एक बहुत ही अच्छा कंप्लीट पैकेज लगता है देखने में। एंड नीचे की तरफ में इसमें प्रॉब्लम देखने को मिल जाती है वही प्रोजेक्टर्स। साइड प्रोफाइल की बात करें तो दोनों में ही जो व्हील आर्चेस हैं वहाँ पर निकले हुए हैं एंड जो ब्लैक बॉडी क्लैडिंग है वो कंटिन्यू हो रही है फ्रंट से लेकर एंड तक, दोनों में देख सकते हैं जैसे किया सोनेट में भी। लेकिन किया सोनेट में जो टायर प्रोफाइल थोड़ा सा ज़्यादा बड़े 16 इंचेस के इसमें टायर साइज दिए हुए हैं विद फ्लेक्स व्हील्स। की बात करें तो वेन्यू में ग्लॉस ब्लैक फिनिश है एंड किया सोनेट वाइट कलर में है, बाकी जो डी पिलर है दोनों में ही मैट ब्लैक में है एंड जो सी पिलर है उसने क्वार्टर क्लास दिया हुआ है सोनेट में लेकिन वेन्यू में नहीं दिया हुआ है। एंड अगर हमारे ORVMs की बात करें तो दोनों में ही बहुत बड़े दिए हुए ORVMs, तो विजिबिलिटी वाइज कोई दिक्कत नहीं आएगी। में ही कंपनी फिटेड रूफ रेस देखने को मिल जाती है, लेकिन जो किया सोनेट उसमें हमें शार्क फिन एंटीना देखने को मिलता है एंड वेन्यू में नॉर्मल हमारा एंटीना है। इंटीरियर की बात करें तो हुंडई वेन्यू में जो पूरी ओवरऑल ब्लैक थीम देखने को मिलती है विद सिल्वर इंसर्ट्स एंड जो डैशबोर्ड डिज़ाइन है उसमें थोड़ा सा अलग हमें टेक्सचर देखने को मिलता है। बीच में बात करें तो इसमें कोई भी टचस्क्रीन नहीं दी हुई है क्योंकि एस वेरिएंट है एंड नीचे में मैनुअल क्लाइमेट कंट्रोल दिया हुआ है। एंड स्पेस की बात करें तो यहाँ पे दो कवी होस्ट दिए हुए हैं एंड सामने की तरफ थोड़ा सा स्पेस है। एंड अब किया सोनेट की बात करें तो किया सोनेट का इंटीरियर थोड़ा सा प्रीमियम साइड पर लगता है, जो इसमें हमारे डैशबोर्ड पर डिज़ाइन है वो थोड़ी सी अलग है एंड जो सेंटर कंसोल है इसका काफ़ी यूनिक डिज़ाइन में लगता है क्योंकि इसमें टचस्क्रीन भी दी हुई है क्योंकि एक थोड़ा सा ऊपर वेरिएंट है उसका। रेयर स्पेस की बात करें तो पीछे की तरफ स्पेस दोनों ही कारण बहुत कम है, बस दो बड़े एडल्ट आ पाएंगे बीच में एक छोटा सा बच्चा, बाकी तीन बड़े एडल्ट तो इसमें कंफर्टेबली नहीं आ पाएंगे। लेकिन जो हुंडई वेन्यू है उसमें हमें ज़्यादा लेग रूम एंड जो हमारा थाई सपोर्ट है वो देखने को मिलता है जो कि किया सोनेट में नहीं देखने को मिलता है। एंड दोनों में हमें एसी वेंट्स देखने को मिल जाते हैं पीछे की तरफ में, लेकिन किया सोनेट में एक फास्ट चार्जिंग का ऑप्शन दिया हुआ है पीछे की तरफ में। एंड दोनों में ही एडजस्टेबल हेडरेस्ट नहीं दिए हुए हैं, दोनों ही फिक्स्ड है एंड पावर शेल्टर दोनों में अवेलेबल है। इंटीरियर्स जहाँ हुंडई वेन्यू की इंटीरियर जो है वो थोड़े से बेसिक साइड पे है एंड जो हमारे किया सोनेट है उसके इंटीरियर थोड़े से प्रीमियम लगते हैं, लेकिन ये भी है कि दोनों की डिज़ाइन जो काफ़ी यूनिक है, लेकिन जो किया सोनेट है उसकी डिज़ाइन कुछ ज़्यादा अच्छी लगी मुझे। लेकिन ये है कि दोनों ही कार के इंटीरियर से आप बहुत ही जल्दी बोर नहीं होंगे। हुंडई वेन्यू का भी डिज़ाइन थोड़ा सा यूनिक है, बस ये थोड़ा सिंपल साइड में है, बाकी दोनों में ब्लैक थीम विद सिल्वर इंसर्ट्स फॉलो की गई है एंड देखने में दोनों ही ठीक लगते हैं। लेकिन जो किया सोनेट की इंटीरियर से वो थोड़ा सा ज़्यादा प्रीमियम है। रही बात स्पेस की तो स्पेस दोनों में ही सेम है एंड जो लेकिन जो हमारा अंडर था सपोर्ट है वो हुंडई वेन्यू में वो ज़्यादा लगा एज़ कम्पेयर टू किया सोनेट। फीचर्स की बात करें तो किया सोनेट में ज़्यादा फीचर्स देखने को मिलेंगे ऑब्वियसली क्योंकि एक थोड़ा सा ऊपर वेरिएंट है हुंडई वेन्यू से एंड हुंडई वेन्यू में से जिस प्राइसिंग के हिसाब से 9 लाख के ऑन रोड करीब करीब आती है उस हिसाब से काफ़ी वैल्यू फॉर मनी है क्योंकि उस हिसाब से फीचर्स भी है एंड लेकिन जो किया सोनेट है वो थोड़ी सी मुझे ओवर प्राइस लगी जिस हिसाब से अप्रोक्सीमेट 10 लाख की ऑन रोड पड़ रही है, लेकिन उस हिसाब से जो फीचर्स मुझे लगे नहीं क्योंकि इसमें हमें फ्लेक्सिबिलिटी देखने को मिल रहा है एंड जो हमारे हेडलैम्प्स हैं वो भी सिंपल हेलोजन यूनिट है। आप सोच रहे हो कि ये कंपैरिजन कैसा है, एक थोड़ा सा वेरिएंट अपर है एंड एक थोड़ा सा उसके नीचे में है, तो ये कंपैरिजन कैसे हुआ? कंपैरिजन इसलिए क्योंकि जो इसके ऊपर एक हुंडई वेन्यू के ऊपर जो एस प्लस वेरिएंट आता है उसमें भी 1.2 लीटर का ही इंजन हमें देखने को मिलता है एंड इसमें 1.2 लीटर का इंजन है।
लेकिन बात यह है कि अगर कोई बंदा 10 lakhs लगा रहा है तो क्या जो इंजन 1.2 लीटर का है वो लेना बनता है? क्या इतना वर्थ है कि हम 10 lakhs लगाने के बाद ही 1.2 लीटर की गाड़ी चलाएं? तो मेरे हमारा कंपैरिजन ही है। बात करें किया सोनेट STX प्लस की, तो ये अप्रॉक्सीमेटली 10 lakhs से करीब करीब ऑन रोड पड़ती है जैसे कि हमने ऑनलाइन चेक किया, लेकिन उस हिसाब से मुझे इतनी वैल्यू फॉर मनी नहीं लगी। एंड जो इसमें इंजन ऑप्शन है 1.2 लीटर पेट्रोल का, वो मुझे इतना वर्थ नहीं लगा। तो कहने का मतलब ये है कि जो हमारी हुंडई वेन्यू है जिसका एस वेरिएंट है, हालांकि थोड़े से फीचर्स कम है, लेकिन जो इसमें पावर ट्रेन ऑप्शन है वो 9 lakh के बजट के हिसाब से सही बैठती है, क्योंकि ये जस्टिफाई करती है इसकी प्राइसिंग के साथ। मैंने मुझे ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी लगी क्योंकि ये 9 lakh की अप्रॉक्सीमेटली प्राइस है। एंड फीचर्स इसमें थोड़ा बहुत देखे जाए तो अगर जैसे टचस्क्रीन को हटा दे एंड क्लाइमेट कंट्रोल को हटा दे तो इसमें सारी फीचर्स अवेलेबल है। वही अगर कंपेयर करें किया सोनेट से, तो किया सोनेट में 10 lakh के हिसाब से मुझे उतने फीचर्स लगे नहीं, जैसे कि इसमें जो हेडलैम्प्स है उसमें मेरे ख्याल से LED या प्रोजेक्टर्स देने चाहिए थे। एंड जो अलॉय है ये फ्लैक्स व्हील्स के अलावा, इसको हटा के इसमें अलॉयस देने चाहिए थे। अगर देखा जाए हिंडई वेन्यू में, तो हिंडई वेन्यू में 9 lakh के हिसाब से जो फीचर्स है वो उसकी प्राइसिंग को जस्टिफाई कर रहे हैं, लेकिन किया सोनेट की जो प्राइस है वो उसको जस्टिफाई नहीं कर पा रहे। ओवरऑल कंक्लूजन की बात करें, दोनों ही कार में 1.2 लीटर के इंजन ऑप्शन देने को मिलते हैं, लेकिन अगर आपका बजट 10 lakh के करीब है तो मेरे हिसाब से STK प्लस एंड जो हिंडई वेन्यू का S+ वेरिएंट है वो इनका मतलब नहीं बनता, क्योंकि 10 lakh में आपको फीचर्स तो थोड़े बहुत मिल जाएंगे एक्स्ट्रा, लेकिन जो इंजन है वो उस प्राइस में को जस्टिफाई नहीं करता है। अगर आपको 1.2 लीटर का इंजन ही चाहिए तो मेरे हिसाब से जो किया सोनेट STK वेरिएंट रहेगा एंड जो हिंडई वेन्यू का S वेरिएंट है ये आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेंगे, क्योंकि ये वैल्यू फॉर मनी भी है एंड 9 lakh के प्राइस टैग के साथ इसके ऑन रोड प्राइस अप्रॉक्सीमेटली 9 lakh है, तो मेरे हिसाब से ये ज़्यादा सही ऑप्शन रहेंगे आपके लिए, क्योंकि 9 lakh का जो टैग है प्राइस में वो इसको जस्टिफाई करते हैं। ये था हमारा किया सोनेट वर्सेस हिंडई वेन्यू का कंपैरिजन। आई होप आपको थोड़ा सा वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा और आपको समझ में आ गया होगा कि कौन सा वेरिएंट आपके ज़्यादा सही रहेगा। अगर आपको वीडियो थोड़ा सा इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग।